एक बार क्या होता है, दोपहर के 12-1 बजे होंगे, मार्केट में मैं गोमती पर खड़ा था, रोड की उस साइड पर देखता हूँ, ठीक है, दीवार थी उस साइड पे, दीवार कोने में, और एक आदमी भाई मूत रहा था। अचानक से 2-3 बंदे आते हैं, मारती फाड़ फाड़ से आवाज आती भाई, फाड़ भाई। उस टाइम पे मैं, मेरा जो एक स्टेटस था ना, मेरा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वो मैं सो के उठा था। आप जब सो के उठते हो ना, तो देखते हो भाई, आपको किच किच कच कच नहीं पसंद है इतनी, आप भाई नॉर्मल हो, मतलब आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो। और आप जब, आपको उसी स्टेट में ना एक बीच रोड पे बैठा दिया, चौराहे पे बैठा दिया, कोई मार्केट में बैठा दे, तो आप किसी से बात करना नहीं पसंद करोगे, ना वो पसंद करोगे आपसे कोई बात करे, बस आप ऑब्जर्व कर रहे हो लोगों को, कुछ आते जाते देख रहे हो। वो मैं उस स्टेट पे था, और भाई आवाज़ जो हुई ना, मार्केट में वो आवाज़ गूंजी भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मतलब मूत रहा था। मैंने वो देख रहा हूँ कि ये तो खड़े मेरे सामने मूत रहा था, तमाचा पड़ गया भाई। उस वक्त मुझे डर लगा भाई, मूतने से नहीं, रोड पे वो मूत रहा था, उसकी गलती नहीं, उसको उस चीज़ से डर नहीं भाई। भाई ये सोचा कि रैंडम बंदा भाई मार सकता है कैसे, मतलब भाई यार। और भाई वो मूत रहा था, उसकी कहानी देखो, आप सोचो आप रोड पे कब मूतते हो भाई, कब, जब आपको कोई पब वैसी नहीं मिल रही है प्लेस, ठीक है, हल्के होने के लिए, और ठीक है आपको पब्लिक वॉशरूम भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हो, मतलब चीज़ें, जगह ढूंढते हो भाई, आप रोक के आते हो, कम से कम 5 मिनट तो रोकते हो कि ऐसी जगह ढूंढते हो भाई। वो कितना रोक के, और वो एक छोटी सी जगह उसने देखी, वहाँ पे वो हल्का होना चालू हो गया भाई। और उस लेवल पे भाई, उस स्टेट में भाई, कोई आपको मार दे, जब आप मतलब एकदम कंफर्ट में आते हो, जब आपको लगता है कि आपकी रूह निकल रही है भाई यार, उस वक्त जो खौफ हुआ ना भाई, मतलब अगर मैं आज ऐसे, कभी होता है कि इमरजेंसी पड़ गई हो रोड के साइड पे, आप खड़े होके कोई कहीं पे कुछ कर रहे हो भाई, एक डर बना होता है। सोचो पाकिस्तान में अगर वो बंदा होता तो भाई तो गोली मार देते उसको पीछे। सोचो मौत कैसे होती, मूत रहा है, मूतते मूतते किसी ने गोली मार दी भाई, पाट भाई, पाट पाट पाट, मतलब उसको पता ही नहीं चला, दिमाग पे गोली मार दी भाई। अच्छा ये समझने वाली बात है कि अगर वो मूत रहा होगा तो गोली लगी तो वो भाई मूतना वहीं पे बंद हो जाएगा, या फिर भाई वो मर गया और मूत रहा है, क्या होगा क्या, या फिर पूरी टंकी खाली हो जाएगी। खैर छोड़ो भाई, अलग भाई अलग ही वो चीज़ भाई, पूरा दिन मेरे दिमाग में घूम रही थी। अब भाई ऐसे लोग देखे आपने जो भाई सोबर अगर घूम रहे हैं ना, सोबर, उनका ब्रेकअप हो गया है, ब्रो आई हैव मूव्ड ऑन ब्रो, या आई हैव मूव्ड ऑन ब्रो भाई, दो पैक के बाद हगना चालू कर देंगे भाई, हगना भाई तुरंत, ब्रो आई गॉट फीलिंग्स फॉर हर ब्रो। भाई मेरा जैसा बंदा अगर उसके बगल में, अब तक तो बच चुकी होगी वो भाई यार उसकी भाई, उस टाइम पे उसको आता है कि रिवेंज, उस टाइम पे आता है भाई रिवेंज कैसे ले भाई। रिवेंज की स्टोरी ना भाई मेरे पास एक ऐसी है, मतलब सच्ची, मतलब मेरा दिमाग भाई उड़ गया, ऐसी कहानी भाई, मतलब मैं सोच नहीं सकता भाई कि ये बंदा ये कैसे सोच सकता रिवेंज कि, आप क्या होता है ना रिवेंज के, आप बहुत सारे फेक सिचुएशंस, फेक सिनेरियोस सोच रखे होते दिमाग में, जब आप कंफर्ट लेवल पे होते हो, आप कोई गाना सुन रहे हो, मायो मारे क्या नाम है उस गाने का यार, मोयो मोरे, ये ऐसे गाने से ना आप सिचुएशन सोचने लगते हो, टेंडिंग जो बीट आती है भाई, बीट जहाँ बीट आई ये भाई। अब क्या होता है कि ठीक है ये चीज़ चल रही थी, तो भाई क्या होता है, मैंने एक बार उसको 3-4 रुपये वो पिया, मैंने उससे पूछा कि ये बता कि रिवेंज तुझे चाहिए, तो भाई रिवेंज लेने का तूने कोई तरीका सोचा है, उसने बताया बहुत सारे ऐसे फेक सिचुएशन सोच रखे, तो उसने वही बताने लगा एक तुरंत पे। और जब कोई आपको ना कोई अपनी कोई बात बताने लगे, कोई दोस्त है आपके, तो भाई उसको उस चीज पे इंटरप्ट मत करना, मतलब आप उसको करेक्ट मत करना कि अभी तो चूतिया आ गया, तो कह दो भाई बहुत सही भाई, बहुत सही,
बहुत सही जा रहा भाई, वो ओ भाई क्या बात है, ये वाला रिएक्शन दो उसको भाई, शॉक्ड हो जाएगा, मतलब शॉक्ड आई मीन मतलब वो उसको अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा भाई, उसको अच्छा लगेगा। दो पैक तीन पैक गया, मैंने कहा ओ भाई बताओ 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 क्या चीज़ था। अब सुनो ऐसे ही सुनो कि होता क्या है भाई, वो रोड के साइड पे खड़ा है और उसको दिख जाती है अचानक से उसकी एक्स सामने रोड के उस साइड पे, बीच में डिवाइडर, इधर गाड़ी रुक गई है उस साइड पे, दूसरी वाली लेन पे उधर गाड़ी, इधर गाड़ी रुक गई है, दोनों तरफ दोनों लेन पे भाई गाड़ी रुक चुकी है, वो दोनों आमने सामने खड़े हैं। और ये भाई साहब अपने कंफर्ट में और अपने सुपीरियर लेवल जो होता है ना, बाल कटवाने जाते हो तो भाई वो जो बाल सेट करके देता है, वो आप जो कंफर्ट में निकलते हो ना, जो कॉन्फिडेंस में निकलते हो उस दुकान से, वो उस कंफर्ट में था, वो उस मतलब समझ रहे हो, वो उस कॉन्फिडेंस में था। अब क्या होता है कि भाई अब ऐसे कंफर्ट में ना आप सब कुछ अच्छा करते हो। अब क्या होता है भाई, वो मुझे बताता है कि भाई वो उसको उसको अपनी एक्स को देख रहा है, देख रहा है, घूर रहा है, मतलब मुझे नहीं पता, वो बता रहा है सिचुएशन। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा फिर कहता है भाई मेरे एक हाथ में निकाला आईफोन, मेरे हाथ में दूसरे वाला, ये वाले हाथ में था आईफोन। मैंने कहा फिर वो कहता है भाई दूसरे हाथ में था आईपैड। मैंने कहा चल क्या रहा है ये भोसड़ी के, तेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है और तू बता रहा आईफोन और एक आईपैड रखा है, ठीक है। मैंने कहा हाँ फिर मैंने मन में कहा यार ठीक है। फिर क्या हुआ भाई, उसने अपने फिर बताया कि भाई उसको देख के, उस लड़की को देख के उसने अपने आईफोन को जमीन पर पटक दिया भाई, जमीन पर पटका और भाई वहीं पे उसको अपने पैर से भाई कुचल दिया। क्यों? फिर मैंने सोचा अपने मन में भाई ये क्यों बकचोदी क्या चल रही है। फिर मैंने उसके दिमाग को समझा कि ये भाई किस स्टेट में है भाई, वो मतलब उसको दिखाना चाहता था, उसको अपना गुस्सा दिखाना चाहता था, जो भाई उस टाइम पे जब वो रिलेशन में था वो अपना गुस्सा दिखा नहीं पाया। क्यों 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 क्योंकि भाई तुम चट्टू थे भाई, कभी अपनी कोई बात रखी नहीं, हाँ में हाँ मिलाई, हाँ 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 वही किया तुमने भाई, वो किया भाई। अब भाई वो अपना गुस्सा, वो सिचुएशन बता। अब क्या हुआ सुनो, फिर मैंने कहा अब क्या हुआ, फिर मैंने कहा फिर उसके बाद तो वो उसने उसके चेहरे पे वो पढ़ा कि उसको अच्छा नहीं लगा भाई, मतलब वो तो नहीं कि ये अपने, ये उसको ऐसा फील कराना चाहता है कि ये अपने आप को हर्ट कर रहा है, ठीक है। अब भाई मैंने कहा भाई ये बता जो आईपैड का क्या किया, भाई बताता है कि कि वही रोड पे भाई वहीं पे वो एक कंपनी का स्टॉक चार्ट लगा के देखने लगा। मैंने कहा ये क्या चोदी भाई, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। वो बता रहा है कि बस भाई मुझे नहीं पता, मैंने सिचुएशन सोची जो कि मुझे अच्छा लगा, जो कि सोचने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा ये क्या बकचोदी भाई, तो फिर बाद में पता चला कि भाई वो होता है भाई, जब आप रिलेशन में होते हो ना एक स्टार्टिंग में, तो भाई आप कुछ नहीं कर रहे होते हो जिंदगी में अपने, और आपने सपने सजाए होते हैं उसके साथ कि भाई मैं सपने के साथ सपने ऐसे ऐसा करूंगा, उसको ऐसे ऐसा करूंगा, यहां पे रखूंगा, वहां पे रखूंगा, जन्नत दिखा दूंगा, ये आप सोचते, वो चीज सोच रखा था उसने भाई। बट भाई वो चीज उस टाइम पे नहीं हुआ, लड़की ने भाई ब्रेकअप कर दिया भाई, खत्म रिलेशन भाई। अब भाई रिवेंज लेने को सोच रहे हैं, ये सारी फेक सिचुएशंस भाई वो सोचता था अपने दिमाग में और कहता था भाई अच्छा लगता है भाई सोच के। मैंने कहा भाई यार या तो मैं तेरे साथ रहना बंद कर दूं भाई, ये नॉर्मली ये एक बंदे का नहीं भाई, मैंने काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं या फिर ये कहो कि भाई मैंने काफ़ी लोगों से सुन रखा है ऐसे फेक सिचुएशंस, यू नो आप रिलेट कर सकते हो उस चीज़ को। और आप ऐसा नहीं कि आप सेम कहानी से ऐसे रिलेट करो, बहुत सारे आप ऐसे सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो भाई, तुमको पता है, बिलीव नहीं करोगे। मेरा जो ब्रेकअप हुआ था ना, मेरा ब्रेकअप कैसे हुआ था पता है भाई, मेरी कोई गलती भी नहीं थी भाई, मेरी कोई गलती नहीं थी भाई, कोई गलती नहीं थी मेरी, कोई भी गलती नहीं भाई,
कोई गलती नहीं थी मेरी। हुआ क्या जानते हो, हुआ क्या भाई, फोन पे बात चले, कोई बातचीत हुई ऐसे नॉर्मली कन्वर्सेशन चल रही, भाई मैंने गाली बक दी और भाई उसने ब्रेकअप कर लिया। मैंने कहा भाई मैंने तो उसको भी गाली नहीं बकी थी भाई, मैंने उसके घर वालों को गाली बकी थी। उसने कहा कि भाई मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस बात पे भाई मैंने तो उसको भी गाली नहीं बकी भाई, अब बता दो तुम। मैंने भाई उसको भी गाली नहीं बकी, मैंने उसको गाली बकी नहीं, नहीं नहीं, मैंने उसको गाली दी नहीं भाई, मैंने उसके घर वालों को दी भाई। और वो भाई वो उस चीज पे भाई ब्रेकअप। क्या भाई कोई मेरे पास मतलब क्या, उस वक्त के बाद से भाई मैंने ये चीज सोच ली, गाली नहीं दूंगा बहन चोद, कुछ भी हो जाए मतलब गाली नहीं देनी, अब गाली नहीं देनी है। आप मुझे क्या करना चाहिए था भाई, मुझे जान तो क्या करना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था वापस, उसके पैरों पे गिरना चाहिए था। लोग कहते हैं ना कि यार ब्रेकअप कर लिया कोई बात नहीं, मूव ऑन करो, 50 और मिल जाएगी, घंटा मिलेंगी भाई, 50 नहीं मिलेंगी भाई। मिल गई तुम्हें, मिल गई, क्यों नहीं मिलेंगी भाई। वो तुम पापड़ आपड़ जितना बेलना पड़ता है ना भाई एक चीज में, वापस तुम नहीं कर पाओगे। वो चीज तुम छोड़ आए भाई, वो चीज वापस नहीं, तुम्हें चाहिए बस पकी पकाई, आओ लो 200, खत्म भाई, खत्म खत्म भाई। वो चाहिए तुम्हें मैच्योर भाई, वो अब तुम्हें फिर से पापड़ बेलने पड़े, वो नहीं चाहिए यार। हेलो, हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं अच्छा हूँ, खाना खा, नहीं चाहिए, वो कर चुके हो भाई तुम 3 साल। नहीं नहीं ये भाई ये तो चाहिए नहीं। तो इस वजह से भाई मैं तुम्हें लिख के दे रहा, तुम्हें लड़की नहीं मिलेगी। खर्चे होंगे तुम्हारे कितने, 3-3 हज़ार रुपये खर्चे होंगे, भागोगे स्पा, कुछ नहीं मैं तुम्हें बता रहा भाई, स्पा 6,000, 7,000, 8,000, 6,000, 5,000 ऐसे खर्चे हो जाएंगे, 1,000 की दारू जाएगी अंदर और 4,000 रुपये और खर्चे हो जाएंगे ऊपर से। पॉइंट यहीं पे भाई। तो जो लोग कह रहे ना कि भाई मूव ऑन करो यार, नहीं भाई, एक्स के पास वापस जाओ, बात करो, मना, देर हो जाए उससे पहले भाई जाओ, मनाओ जो कुछ हो सके ना भाई। और अगर वो वापस ना आए तो भाई एल लूजर यहाँ पे लिखवा लेना भाई, लूजर हो तुम। हाँ भाई हाँ, क्यों भाई नहीं मिलने वाली, 50 लड़कियाँ नहीं भाई, नहीं मिलेंगी भाई, मैं तुम्हें बता रहा। और तुम उस मेंटालिटी में वापस नहीं जाना चाहोगे, कोई कीमत पे नहीं जाना चाहोगे आप। और भाई तुम्हें लड़की मिल गई भी ना, बात कर रहे हो तो भाई वो वही वाला फेज आ जाएगा, तुमको शुरू से शुरू करना पड़ेगा भाई। तुम्हें वापस भेज दूँ 4th क्लास में, पढ़ोगे वापस, बोलने में अच्छा लगता है कि टाइम ट्रेवल जाओ पीछे, ठीक है। और भाई मैं बता दूँ, टाइम ट्रेवल पे आप जाके ठीक करके वापस आना चाहते हो, वहाँ पर रुकना नहीं चाहते है ना, रुकना चाहते हो क्या बता दो। नहीं रुकना कोई नहीं चाहता भाई, तुम उसको ठीक करके वापस आना चाहोगे। अब भाई दो पैक गई अंदर, धीमे धीमे आपको भाई धीमे धीमे क्या होगा, फोटोज भाई, अच्छा फोटो भाई रखी रहती है, आप अपने गैलरी से डिलीट कर लो, कहीं सब चीज से डिलीट कर लो, दिमाग के भाई इस कोने पे ना भाई, छोटा से अंदर के अंदर कोने पे, वो जान तो चीज कब आएगी, उतने अंदर आपने उसको फोटोज को छुपा के रखी है। और वो फोटो जान तो कब निकलेगी मैं बताऊं, जब दुनिया खत्म हो रही होगी, दुनिया खत्म हो रही है और भाई तुम देख रहे हो, तब तुम वो फोटो निकाल के देखोगे। मोयो मोरे मोयो मो, वो गाना बजेगा तुम्हारे गांड में, फिर भाई तुम्हें मजा आएगा। कैसे इसको बताऊं मतलब समझ नहीं आ रहा, मेरी एक फेक आईडी है, लड़की की आईडी फेक है।